स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल के बीज की सब्जी, बहुत टेस्टी बनता है ये। देख लेते हैं किन चीजों की जरूरत होगी हमें कटहल के बीज से सब्जी बनाने के लिए। कटहल का बीज लिया था मैंने 500 ग्राम, इसको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। दो आलू छील के मैंने कट कर लिया है। मसाले देख लेते हैं, 4 से 5 कली लहसुन के लिए है, एक टमाटर बीज हटा के कट कर लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, एक प्याज कट कर लिया है, ऑयल यूज करेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच, नमक यूज करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 तेजपत्ता लिया है, 2 साबुत लाल मिर्च। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें कटहल के बीज का छिलका हटाना पड़ेगा। बीज से इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है पर निकल जाता है आराम से। इसको थोड़ा केयरफुली छीलना होगा, कई बार नेल्स के अंदर भी चुभ जाते हैं, ये छिलका कड़क होता है, तो बिल्कुल आराम से ध्यान से छीलना है इसको। बाकी के बीज के छिलका भी ऐसे उतार लेंगे। कटहल के बीज से सारे छिलके साफ कर लिए हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, ऑयल रखेंगे कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच। ऑयल गरम हो चुका है, तेज पत्ता डाल लेंगे, लाल मिर्च थोड़ा सा पकने देंगे। जीरा डाल लेंगे, जीरा को भी पकने देंगे। जीरा तड़कने लग गया है, कटा हुआ आलू डाल लेंगे, मिक्स करेंगे। कटहल का बीज, मिक्स करेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमें कटहल के बीज और आलू को 5 से 6 मिनट भूनना है। जब तक हमारा आलू और कटहल का बीज भूनता है मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मिक्सी जार लिया है, टमाटर डाल लेंगे, लहसुन, कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। आलू और कटहल के बीज काफी अच्छे से भून गए हैं, मसाले डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। सब्जी को लगातार चलाते हुए भूनना है जब तक कि मसालों से ऑयल ना निकलने लग जाए। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, मसालों से ऑयल निकलने लग गया है। पानी डाल लेंगे सब्जी में। अभी मैंने 1 गिलास पानी डाला है, पहले अच्छे से मिक्स करते हैं सब्जी, जरूरत होगा तो और पानी डाल लेंगे। 1/2 गिलास पानी और डालेंगे, मिक्स करेंगे।
गरम मसाला डाल लेंगे, ढक्कन लगा देंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे और सब्जी को पकने देंगे ढक्कन लगा के। सब्जी चेक कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं, ग्रेवी गाढ़ी होने लग गई है। ग्रेवी आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं। आलू और कटहल के बीज को एक बार देख लेते हैं पका है या कि नहीं। आलू अच्छे से पक गया है, कटहल का बीज भी अच्छे से पक गया है। ये पकने के बाद भी थोड़ा सा हार्ड ही रहता है। तो सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है, गैस को ऑफ कर लेंगे, ऊपर से धनिया पत्ता से गार्निशिंग कर लेंगे। इस सीजन में आप भी एक बार जरूर बना के देखें, कटहल की बीज की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।